अब ये पढ़े लिखे बच्चे जानते होंगे, बहन बेटी नहीं जानती होगी, हमारी एक खिलाड़ी विनेश फोगाट खेल में रेसलिंग में सबसे आगे चली गई और किस्मत ठीक नहीं थी, 100 ग्राम वजन रात में बढ़ जाने के कारण वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सकी। लेकिन हारने के बाद भी पूरा देश ने शोक मनाया और पूरी दुनिया को पूरी दुनिया विनेश फोगाट को जानने लग गई। इसलिए असफलता भी आदमी को उसको असफलता से भी निराश नहीं होना चाहिए, जो कर्तव्य पथ पर चलेगा, कर्म करेगा, सत्य पर के मार्ग पर चले मार्ग पर चलेगा तो हारने के बाद भी जीतने के समान में कई बार आ रहा हूं, चुनाव लड़ा कई बार आ रहा, लेकिन मैं हारने के बाद भी जनता के बीच में लगा रहा। और ये बड़ी बड़ी मुसीबत आई इनके ऊपर, मैं तो वैसे सब जात की लड़ाई लड़ता हूं, पर एक बार आ गई महाराज, एक बार आरक्षण की आ गई। अब ये मोदी को गाली दुआ रहे हैं सब, ये दौड़े बाड़ वाड़े हैं सब बदमाश। जय हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला नहीं दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। अब क्यों लागू होनी चाहिए? तो हम जब हाई कोर्ट में अभी इकट्ठे हुए तो मैंने भाषण दिया था, कभी मेरे गांव आओ तो आप मेरा मकान देखना, मेरे मकान के बगल में एक मकान देखना, उसका झोपड़ी है टूटी हुई और एक 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 दुपट्टा नहीं, एक पट्टा क्या कहते हैं, पाटोड़ है, वैसा ही झोपड़ी पाटोड़ हमारे थे जो बरसात में चुचाती थी, कभी खाट इधर करो कभी खाट इधर करो। मेरे को रिजर्वेशन का मौका मिला और उस गरीबी में पढ़ लिख के मैं डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया। मेरा भाई आरएस बन गया, एक भाई पटवारी बन गया, मैं एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मेरा भतीजा एमएलए बन गया, अंगूठा छाप बोलवा मंत्री बन गया। और जो मेरे बगल में वो आदमी रह रहा है मेरे ही गांव में, वो 35 साल से पत्थर फोड़ रहा है पहाड़ में, मैं था जब भी फोड़ रहा था, उसके बेटे फोड़ रहे हैं। मेरा कहना ये है, मैं कोई आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा, इसे झूठा हेड़ा में जो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, गजेटेड अफसर बन गया, पटवारी मास्टर जेईन की बात नहीं करता, मैं आईएएस बन गया, मेरा बेटा बन गया और पोता भी बन गया, तो मेरा कहना, मेरा व्यक्तिगत राय है कि हमारे जैसों को मौका देना चाहिए, उस लोगों को, उस व्यक्ति को जो मेरे पड़ोस में रह रहा है जिसकी झोपड़ी अब भी टपक रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ए भाई बोलो बहनों। अब फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि क्रीमी लेयर खत्म करो। मैं देसी भाषा में बताना चाहता हूं, तुम दूध को हटाती हो ना मटकी पर, जो हमें थर आ जाती है थर, उसको क्रीम कहते हैं, क्रीम थर। मैंने छोटे से ना देखा है, मेरा बड़ा भाई उस थर को खा जाता था और मेरा हाथ नहीं आती, वो दूर का चलट मेरे को अब भी याद है, बड़ा होने तक 10-12 साल का मेरे थर हाथ नहीं आई, बड़ा भाई थर खा जाता था। तो झगड़ा थर का है, थर बड़े भाई कोई नहीं, किरोड़ी लाल को भी मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना है। आरक्षण खत्म नहीं हो, मैं आरक्षण की लड़ाई में आपके साथ हूं, किसी प्रकार का आरक्षण किसी का खत्म नहीं होगा, लेकिन जो मेरे बराबर खड़ा नहीं हुआ है उसको बराबर खड़ा करवाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है, अपन को मिलकर कराना है। हाई कोर्ट ने चाहे कुछ भी फैसला दे दिया, लेकिन उस फैसले को मोदी जी ने बदल दिया, नहीं हम लागू नहीं करेंगे।
फिर भी मैना पावड़ हो रहे हैं बैरवानी ले सड़क पर रिजर्वेशन खत्म करो। अरे काम हो रहा है, तुम पढ़े लिखे हो, सुप्रीम कोर्ट ने किया, सरकार ने कैबिनेट करके प्रधानमंत्री जी उसको मना कर दिया। अब यह ढगारा के पटेल गयो यहाँ है का उठा दो मूछन वाड़ो। मैंने आध घंटा समझा पड़ेगा समझ में गुजाई जो मैं तो ये समझ रहा हूं हमारी नौकरी गई। नौकरी नहीं गई, मेरे जैसे का मेरे जैसे को रोका जाए, मेरे जैसे को मेरा मैं मेरा बेटा मेरा पोता मेरी पोती बस्सी में तीन भाई एक साथ आईएएस बने। तीन भाई नाम नहीं बताऊंगा, उनके सारे बेटा बेटी विदेश में ही पढ़ते हैं, विदेश में ही नौकरी करते हैं, वहीं शादी कर ली। और गांव जाके देखो तो गांव के 60% घर ऐसे हैं जिनके फूस लटक रहा है। अब आप बताओ, मोन की वकालत करता हूं तो आजकल के पढ़े लिखे मास्टर पटवारी मेरे को गाड़ी देते हैं, पर गाड़ी से कोई घूमड़ा नहीं होता। मैं आप गरीबों के साथ कमर कस के तैयार हूं, छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन मैं अर्जुन की तरह वैसे ही लड़ता रहूंगा आपके लिए। जैसे महाभारत का युद्ध जिताया वैसे आपके आरक्षण का हक मैं जिताता रहूंगा, इसका भरोसा मैं आप भाइयों को देना चाहता हूं। मेरे को बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।